व्योमासुर, इस बलराम पर प्रहार मत करो, इसके मित्रों पर प्रहार करो। बलराम दाऊ, कृष्ण हमारी रक्षा करो। यही एकमात्र उपाय है इस बलराम को अपने वश में करने का। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुशल है। तुम दोनों अभी घर जाओ। हाँ जाओ, भागो। अब तुम्हारा खेल समाप्त व्योमासुर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण यहाँ था तो अचानक गया कहाँ? उसने मुझे चुनौती दी थी बाबा, कि भले ही मैं किसी को भी ले आऊं, वो यहाँ रुकेगा, मेरी प्रतीक्षा करेगा, किंतु मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ जाना चाहिए था कि वो अवश्य ही यहाँ से भाग जाएगा। कृष्ण यहाँ क्यों आया था राधा? क्या कहा उसने? किस मंतव्य से आया था वो यहाँ? उसके मंतव्य बहुत बुरे हैं बाबा, अनर्थकारी है। उसने कहा कि वो किसी भी मूल्य पर यह विवाह तुड़वा के रहेगा। अब मुझे रोकना मत कहना। कंस ने एक और असुर भेजा है, व्योमासुर, व्योमेश के रूप में। मुझे उनकी योजना का पता लगाना ही होगा, इसीलिए मुझे जाने दो कान्हा, मुझे उनकी योजना ज्ञात करनी है, सत्य ज्ञात करना है। जब कार्य बुद्धि से हो सकता है तो आप बल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं दाऊ? आपको उस व्योमेश का सत्य जानना है। हाँ, वो स्वयं आपको बताएगा उसकी योजना क्या। व्योमासुर, हो कौन तुम? वास्तविक परिचय दो अपना। मैं माया का पुत्र, असीम काली शक्तियों का स्वामी व्योमासुर। राधा मुझसे विवाह करेगी। विवाह के पश्चात मैं उसे महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। राधा को बचाने के लिए कृष्ण महाराज कंस के पास अवश्य जाएगा और फिर रचेगा उसकी मृत्यु का खेल। और तुम उस योजना के अनुसार ही चलना, अन्यथा कृष्ण से पूर्व तुम मारे जाओगे, समझे? तुम हंस रहे हो कान्हा? कान्हा, वो राधा को ले जाने की बात कर रहे हैं। चलो इसी क्षण इसका अंत कर देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? ये मामाश्री के दूत हैं, ननिहाल से आए हैं, हमारे अतिथि हैं, इनका सत्कार तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करने वाले हो? मैं आनंद लेने वाला हूँ, आप भी देखिए और आप भी आनंद लीजिए। मेरे सम्मान को मिट्टी में मिलाकर कृष्ण का मन नहीं भरा, जो अब भी मेरी राधा का विवाह तोड़ने की बात कर रहा है। बहुत हुआ, मुझे आभास नहीं कि वो किस अग्नि से खेल रहा है। ब्रिजभान काका, अनर्थ हो गया। ये तो आयन का स्वर है। तुम्हें? ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? उस कृष्ण और बलराम के रहते क्या हो सकता है ब्रिजभान काका? कैसे सब कुछ सकुशल हो सकता है यहाँ पर? माँ तुम जानती हो उस बलराम ने क्या किया? ये किया है उन लोगों ने। देखिए क्या हाल बनाया हमारा। काका वो दोनों भाई हमारी राधा के विवाह में बाधा बनना चाहते हैं। हाँ किसी तरह प्राण बचाकर आए हम यहाँ, अन्यथा आज तो हमारी हत्या निश्चित थी। हे ईश्वर, इस कृष्ण का ये रंग भी देखना बाकी था। जब इस विवाह को रोकने के लिए और कोई चाल काम नहीं आई तो हमारे पुत्रों पर हमला करवा दिया। हे नारायण, ये कैसे सामने दिखा रहा है हमें? वृंदावन वाले इतने गिर जाएंगे कभी सोचा भी नहीं था। बस सब बहुत हुआ। इतना साहस बढ़ गया उस कृष्ण का कि मेरे राधा के कक्ष में आ गया। और वो बलराम नहीं, इस समस्या का समाधान अब प्यार से नहीं वार से होगा। करो सब मेरे साथ। अब क्या होगा? आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का निश्चय हर बार पूर्ण हो। हम उस व्योमासुर को अवश्य रोकेंगे। कहां कंस का साहस बढ़ता जा रहा है। वो एक के पश्चात एक असुर भेजता जा रहा है। इसीलिए अब समय आ गया है कान्हा कि तुम भी अपनी लीलाएं दिखाओ। नहीं दा, जो भी करना है मनुष्य योनि की सीमा में रहकर ही करना होगा। कान्हा वो दानव माया का पुत्र है और माया के पुत्र से हम मानव की सीमित शक्तियों के साथ क्यों लड़ें? क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल राधा का विवाह रोकना नहीं है, अभी तो बरसाना और वृंदावन के टूटे हुए संबंधों को पुनः जोड़ना भी है। राधा को क्रोध मुक्त करना भी है दा। मैं यूं चुटकी बजा सकता हूं दा, किंतु मनुष्य की स्वच्छंद इच्छा शक्ति को मैं नियंत्रण में कर नहीं सकता दा। मनुष्य बन के ही सबके मन को बदलना होगा। मानता हूं कर्म कठिन है, पर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। किंतु कान्हा ये होगा कैसे? हम तो बरसाना भी नहीं जा सकते। अब तो चौकसी और भी कड़ी हो गई होगी। यदि हम गए भी तो वहां सब हमें पहचान लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। ये असंभव है कान्हा। जो प्रेम के पथ पर चलता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और जब बात राधा की आए तो कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब चिंता मत करो, कोई हमें नहीं पहचानेगा। ये विवाह रुक के रहेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में इसे होने नहीं दूंगा।